नहीं भाई प्यारी ड्रिफ्ट कैचेगा सारी पुरानी गाड़ियां मारुति 800 जैसी लगती है तेरे ट्रैक के एक एक कॉल आउट होता है कि आगे जाके ये आएगा इतना राइट लेना है इतने डिग्री पे तुम्हें लेफ्ट लेना है इतना स्लोप है इतना गेट है यहाँ से तुम्हें ऐसे निकालना है। ईयर पीस से काम खत्म क्या एक ईयर पीस कान में लगा बताता रहेगा कोई बट टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकता ना जान का मामला यहाँ पे भाई मेरे इतना टाइम नहीं होता सुनने के लिए तेरे पास। हाँ, फाइनल बैठ के फटाफट कॉल आउट होता है कि यहाँ पे इतना टर्न लेना तो बंदे ड्राइवर उसे अफेक्ट उसमें यहाँ पर सारे सिंबल्स आते रहते तो कुछ समझ में आने चाहिए फोर्ड फोकस एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली अरे आज वो इंस्टाग्राम पर ले ओ वैसे मेंढक की तरह चली है गाड़ी बेटा कुछ भी हो रैली ड्राइवर्स की हैंडलिंग बहुत प्यारी बहुत तगड़ी होती है सही बात है आज इंस्टाग्राम पे भी तो मीम भेजी हुई थी जो बाइक घुमा रहा था और पूरी घूम गई थी हां मैंने भेजी थी वो डोनट विक्टर डोनट बहन के लवड़े ये होता है अपनी गलती छुपाना ओए होए 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 रेनॉल्ट पीक यार रेनॉल्ट थी आज का पीकर दिवाने ओए 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 दबा दिए बैंक और मार दिए बैंक वो तो ऑटो बैंक के लोड तो ऑटो पैस रास्ता दे बोझ उठे वाले ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये फोड़ी नहीं चाहे फोर्ड फोकस प्यार ही भाई प्यार शायद भाई इन गाड़ियों को पता नहीं चलता कौन सी है स्टिकर और ब्रांड स्पॉन्सरशिप सारी लगा रखी होती है पता नहीं चलता चली गाड़ी कौन सी है आए हाय आए हाय मैं कहता हूं ये रैली वाली जितनी भी अच्छी चला ले दिल्ली में फिर भी इनके पास की नहीं गाड़ी चलाना लगता है नहीं नहीं ओके ओके दिल्ली में नहीं चला पाएंगे बेटे ये देख रहा है भाई डीटीसी वाले इनसे तेरे टिफ्टे मारते हैं बैंगल वाले वो उड़ा के निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा उन्हें डीटीसी बोल रहा साले हम पहाड़ों पे इधर है मैं तो ऑल्टो भगा रहा ना ऐसी पहाड़ों में एकदम स्टीप स्टीप अबे सुन 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 यहां पे सुनियो मुझे लग रहा है गाली दे रहा है ओ बेंचो ओए भाई हवा में होली गाड़ी सीधी भिड़के गाली दे रहा हूं चीयरलीडर निकली हाँ भाई बंदा बैग गया बंदा बैग गया पागल है क्या इसकी नहीं देखनी मेरे को अरे कैन व्लॉग दिखाते साल ड्रिफ्टिंग के नाम पे तू अब देखो कुरान हाँ हाँ जिम खाना ये कैन ब्लॉक है हुनिंगन कंपनी का मालिक जो गाड़ियां हम फोर फोर में चलाते हैं उन्हीं गाड़ी को बनाता है ये असलियत में अब देखो पूरी वीडियो आराम से ये गाड़ी देखोनी कौन है एक्चुअल मस्टैंग सीक्वेंशियल गियर शिफ्ट होता है भाई नहीं पागल है क्या ड्रिफ्ट पर कब शॉट होने लग गई प्यार से गियर चेंज कर दो ओले बैन कैलवे पीछे से एक एक इसकी वीडियो जिसमें पीछे से चॉपर निकलता है वही वाली है हाँ 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 भाई ये कंपनी का मालिक और यही गाड़ी टेस्ट करता है हाँ भाई बनाते हैं अपनी खुद की गाड़ी है ना ओ
ले स्टाइल मार रहा है। ये प्यारा लगता है जब टायरों में से धुआं निकल रहा है। इतना रबर जला दिया तेरे घर से थोड़ी लेके जा रहा है। नहीं वो भी सही है। ये देख भाई ऐसे ऐसे लग रहा है बादल छोड़ता ज्यादा सारा गाड़ी से। अब देख ज्यादा गाड़ी पिछवाड़े मांग लगी और भगा रहा उसे। ओए क्या बचाया कसम से बचाया क्या फारे प्रैक्टिस करियो अपने इसी ट्रैक पे पता नहीं कितने घंटे। ओए होए लौटे बादल भाई साहब बादल अभी दिखना बंद है इसको दिख नहीं रहा आगे है क्या तब भी घुमा रहा है गाड़ी। नीचे दिख तो रहा है सारे टायर मार के तो कितनी चला रखी होगी। तो डेडलिन तू ऐसा कर रहा और तेरे पापा साइड में बैठे हो ऐसा घूम के थप्पड़ आएगा ना चीजा तोड़े गाड़ी के बाहर निकल जाएगा। नहीं ऐसे टाइम में तो पड़नी पड़ेगा जब गाड़ी रुकेगी ना फिर कुटाई होगी मस्त। अभी देखियो 280 डिग्री पे गरम है फारेनहाइट। अरे मूली के उठ पत्ती चला गया होगा ये देखियो अब चॉपर निकलेगा। अब देखियो भाई चॉपर में जो पायलट बैठा है उसकी बेइज्जती कर रहा है बहन जो दिखने नहीं दे रहा उसे भी। शॉट देखियो अभी कितना प्यारा आ गया ये देख। पर चॉपर के नीचे कैमरा है के भाई ऑफ कोर्स भाई कैसे तुम क्या स्मोक बन रही गाड़ी से तो वो कुछ ऑयल डालते हैं टायर के ऊपर उससे बनती है क्या एक टाइप का ऑयल। अबे एक टाइप का ऑयल डालते हैं टायर के ऊपर जिससे स्मोक बनती है। वो एग्जॉस्ट पाइप देख बेंचो आगे से ब्लू रखी है पूरी गरम हो के वो टाइटेनियम भी होती है भाई टाइटेनियम होती है हां तो गरम भी तो हो जाती है। वो जला लूं उससे पता चला लूं गरम हो गई इतनी ज्यादा नीली हो रखी है छुट्टा जला लूं उससे भाई धूप में दिख नहीं रहा आग आग कटने को हो रही है बेंचो उसमें से इतनी ज्यादा गरम हो रखी है। मैं तो कह रहा हूं उसके टायरों पे बेंचो तू पानी मारे ना गाड़ी रुकेगी धुआं ऐसा उठेगा। GoPro तो ऐसे लगाते हैं 2 रुपए का एक आता है। उनके लिए महंगा नहीं आता भाई 30,000 महंगा है यार। वो सिटी का यहाँ पे 30,000 का है वहाँ पे वो तो $160 से मिलता है। वहाँ पे $160 मतलब उनके लिए ₹160 जैसे मारते होता है। ₹160 नहीं मतलब ₹1600 समथिंग हो सकता है ऐसे नहीं कितना सस्ता होगा सर। मतलब उनकी अर्निंग होती है $10,000-$20,000 ऐसे उनकी अर्निंग होती है ये चीज भी देखना। यूएसए ही माधवचोद कंट्री है भाई बेस्ट तो भाई कनाडा है। देख रहा भाई कितना प्यारा शॉट ले रखा है हेलीकॉप्टर से। तो कैनेडियन नोट्स नहीं होते जो सने तो उनको पानी में उड़ा देगा ना और सूंघेगा मैपल सिरप की खुशबू आती है। अच्छा ऐसा क्या मुझे तो ये बस ये लगा था मैंने ऑस्ट्रेलिया के नोट देखे वो लैमिनेटेड होते इतना पता लैमिनेटेड छोड़ भाई मेरे पापा लाए थे पापा बोलते हैं उसके ना नोट की वजह से थोड़ी प्लास्टिक सी लेयरिंग होती तो उसमें उंगली रगड़ तो उससे तो मैपल सिरप की खुशबू आएगी। वो नोट वाटरप्रूफ करके देखने पड़ेंगे। ये देखो रंग ओ भाई कैनेडियन नोट्स बने तेरे पास कौन से साल के देखियो। मैंने 2007 2008 में गया था मैं कनाडा। नहीं नहीं मेरे पापा तो अभी 2018 में गए थे ना। अच्छा वो अब हो सकता है कर दिया मैं चेक कर लूंगा इसकी उंगली क्या है। डोनट पता है इसका जो गियरबॉक्स होता है उसमें अच्छी बात क्या होती है क्या सिर्फ पहले के लिए क्लच होता है बाकी तो मैं क्लच की जरूरत ही नहीं है। नाइस हां सीक्वेंशियल गियरबॉक्स में ये बहुत अच्छी बात होती है सिर्फ गाड़ी को उठाने के लिए क्लच यूज होता है बाकी देखो जितना मर्जी गियर शिफ्ट करना कर ले बिना क्लच के। दिल्ली किसी गाड़ी में है ये भाई लगवा ले लगवा सकता होगा तू कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा भाई। आईएमटी क्या होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है वो चीज अलग है उसमें क्लच नहीं होता बट प्रॉपर गियर मैनुअल स्टिक होती है प्रॉपर वो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन अभी सोनेट में आया हुआ।
बड़ा चुतिया भाई, तो मजा ही नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। वो आधी मैनुअल है आधी ऑटो है, वो ऐसा वाला काम क्या करता है। मैं तो सेमी ऑटोमेटिक बोल दो ना उसको, आईएमटी नाम दे दिया। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन भाई, लौड़ा बन किया है बेंचो। तू गियर स्टिक तो चला रहा लेकिन क्लच नीचे दबाने को फील नहीं आएगी गाड़ी चलाने में। नहीं नहीं भाई पूरी फील आएगी, कोई फील नहीं आती बेटे। एक हाथ स्टीयरिंग पे और एक हाथ जब तक गियर स्टिक पे ना हो ना, नीचे दोनों पैर ना काम करे तब तक नहीं मजा आता गाड़ी चलाने में। मेरे को तो ऑटो गियर बेटर लगती है। रंग सैटरडे को वरना लिया। सैटरडे को क्या है? अरे कॉलेज। हां कॉलेज खुल गए तुम्हारे? सैटरडे सैटरडे जाना, मैं बात करता हूं वापस है। मैं तो ले भी आऊंगा भाई, अगर पापा आ करते तो कॉलेज तक ही तो आना है। मैं यार दिक्कत है ना बैचो, लाइसेंस बनानी है अभी और गाड़ी ले तो जाऊं मैं। वैसे मैं अगर पापा को बोलूंगा ना कि चल लाइसेंस ज्यादा मास की वजह से रोकते हैं तो मानेंगे नहीं। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ले आऊंगा। अबे ले आना बोल दियो, सैटरडे जाना है तो फिर मैं आ जाऊंगा। अबे नहीं कर नहीं पता बेटी, चल लाइसेंस बनवाता क्यों नहीं फिर। अरे यार फेल हो गया, लड़ने में फेल हो गया साला। लड़ने में फेल हो गया तू? मैं तेरे को दो क्वेश्चन दूंगा, तूने सही आंसर दे दिया ना मैं तेरे को मान जाऊंगा। मैंने दे दिए थे भाई, मैंने दे दिए थे। कुछ अरे भी पूछ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं कुछ, तभी तो मेरे को पता है ना, तभी तो नहीं कर रहा मैं कुछ। गांडू आदमी, शुभ रिकॉर्डिंग बंद कर। नहीं नहीं कर रहा है ये देख भाई, टच करते हुए निकाल लिया पूरी। हां वैन कर दी बेंचो, गाड़ी की पेंट उतार दिया पीछे से। क्या अबे फाले और का डालने पड़ेगा शायद लैपटॉप चलेगी नहीं, चलेगी नहीं मम्मी चलेगी, मैंने कह दी नहीं चलेगी साले। मेरे इसमें अल्ट्रा पे 30 एफपीएस 33 एफपीएस देती है गेम। अरे बस भाई पहाड़ों नीचे देगा क्या गाड़ी अब? भाई जो गाड़ी मस्त मंगाता नहीं बंदा भाई। नाइस भाई नाइस।